अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ बाबा जे। तो आज हम खेल रहे थे गाइस यूरोप सर्वर में, और इस गेम प्ले के बाद ना जब ये फिनिश होगा आप देख सकते हो कि मेरा रैंक हो जाएगा 2 स्टार यूरोप में, और 8 स्टार 9 स्टार मेरा मिडिल ईस्ट में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी गाइस ये कॉन्कर वाली लॉबी आई हुई थी, प्लेयर्स आप देख सकते हो, और बाबा जी इतनी टफ फाइट हुई ना, इतने मज़े का गेम प्ले निकला, मज़ा आ गया। आपका दिल खुश हो जाएगा बाबा जी देख के। लेकिन मुझे पता है आप डिमांड करोगे अनोनिमस भैया वेरी सस्ती शायरी, सस्ती 2 कौड़ी की शायरी तो सुनाओ। तो अर्ज किया है कि पिंग अच्छी हो जाए तो मेरा गेम प्ले भी हो जाए सेट। वाह 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 वाह, पिंग अच्छी हो जाए तो मेरा गेम प्ले भी हो जाए सेट, बट फिलहाल हम खेलते हैं पबजी विद घटिया इंटरनेट, सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो क्या सब के सब ठोक दो लाइक बटन, दबा दो लाइक बटन सस्ती शायरी के लिए। और उम्मीद करता हूँ गाइस आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। आज हम जा रहे थे कराची जा रहे थे, हम लोग नोवा जा रहे थे अपने, और हम 4 लोग खेल रहे थे सोलो। तो भाई इस लॉबी में खेलना था मुश्किल हो गया ना, ऐसे गंदे गंदी तरह मारते ना मुझे, लिटा लिटा के मुक्के मारते मेरे पेट में, कान कनपट्टी के नीचे लगाते हैं, हमारे बम में गोलियाँ पड़ती हैं अगर हम सोलो आ जाएँ तो। समटाइम होता है सोलो स्क्वाड अच्छा निकल जाता है, वरना तो भाई। अब हमने आराम से लैंडिंग की लेट, और हमने टीममेट को जाने दिया अपने के, जाओ भाई जाओ, जहाँ तुम लूट करोगे ना हम उससे बिल्कुल अलग उतरेंगे, वरना हमें पता जब आप हमारे आगे से गन उठाओगे ना कितना गुस्सा आता है जब टीममेट आगे से गन उठा लेता है ऐसा ना। तो हम साइड पर आ गए थे और देखो गाइस नज़र कोई नहीं आया, बट बाबा जी आपको गलत लग रहा है और हमें भी गलत लग रहा है, हमें लगेगा कि यहाँ पर बॉट घूम रहे, बट यहाँ बॉट नहीं होता, यहाँ होते हैं मामे हीर दे एनिमीज, यस बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे एनिमीज होंगे और हमारी ज़िंदगी खतरे में आने वाली है। तो हम आराम से कर रहे थे लूट बाबा जी, फिर हमें मिलती है शिकारल, और यहाँ पे मुझे बॉट का साउंड आता है, मैं बॉट देख के मारने के लिए जाता हूँ बट यहाँ पे बॉट नहीं होता, यहाँ पे होते हैं एनिमीज। तो इस वाले को तो इतना लो किया ना गाइस, फिर हमारे दिल ने जब कहा ना कि एनिमीज अहेड, तो हमने आगे लगा दी धुड़की, पीला कच्चा पहन के सारा जा रही है बंदे ढूंढने के लिए, और ये मल्टाई कच्चे वाला ऑरेंज कच्चे वाला इधर ही घूम रहा है। आहा वाह भाई वाह, ये गाइस पबजी का ग्लिच है, लाइक हमने उसको मार दिया था और उसके बाद पबजी वाले ने हमें नीचे फेंकने के बजाय वापस से कंटेनर के ऊपर ही फेंक दिया, तो हमारे साथ थोड़ा सा प्रैंक हो गया था और ये ग्लिच था वैसे। और उसके बाद गाइस हमने इसकी लूट की, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिल गई डीपी, तो हमने टॉमी गन फेंक दी, और टॉमी गन से गाइस मुझे वो याद आता GTA Vice City वाला टॉमी, और अंग्रेज़ों ने नाम रखा होता टॉमी का कुत्ता, तो अजीब ही है बस, क्या क्या टॉमी कन्फ्यूजिंग है काफ़ी। तो गाइस ये इनके बाकी टीममेट यहाँ घूम रहे थे, अभी अंदर नजर आते हैं भाई सब गोल्डन हाउस लूट कर रहे हैं, हमने जंप करके एक आधी गोली मारी इनको, अभी घर के पीछे आके टीपी लेने लग जाएंगे और अपना पिछवाड़ा जाना हमारी तरफ कर लेंगे। इनके पास शॉट गन थी, इतना डरे हुए थे हंटर भैया हंटर। फिर हमने जल्दी से दोनों हाथों से गाइस टैप 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 जल्दी से जितनी लूट उठा सकते थे उठा ली, लेकिन ऊपर जाके हमारे साथ होने वाला है पी रैंक। कोई साउंड नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, अचानक से नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, ऐसे कौन करता है बाबा जी, जिंदगी खतरे में आ गई हमारी गाइस। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत कुछ हुआ तक से वापस आ गए क्योंकि हमने अकल इस्तेमाल कर की थी और हम प्रोन हो गए थे। अभी आप बोलोगे कि आप बोलने वाले ने अकल इस्तेमाल करी थी, तो हाँ हमने अकल इस्तेमाल करी थी, हमने अकल इस्तेमाल की भी थी और हमने अकल इस्तेमाल करी थी, और फिर वीडियो में काफ़ी तमीज़ से बोलना पड़ता है ना गाइस, समझा करो लॉल। तो गाइस इसके बाद हमने वैसे कि यहाँ पे लूट, और लूट करने के बाद बस हमें मिल गई थी तार 90 के, लेकिन हमारे पास कर्ल में एमो नहीं थी, तो हमने फिर की पूरे 9 की लूट। ये लोग कंटेनर्स लूट रहे थे, मुझे पता था अगर मैं कंटेनर जाऊँगा तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला, और सामने चलती है नॉर्थ पे फ्लेयर, तो हम अपने टीममेट को बोलते हैं भाई चलो सबके सब फ्लेयर चलिए लूट मिलेगी बाबा जी। और फ्लेयर पे जाने में सबसे मज़ा, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता है क्योंकि मैं हूँ टीम का स्नाइपर और मुझे मिलती है मेरी पहली मोहब्बत AWM। तो हमने मैरान गड्डी उठाई और गाइस भगा ली मैरान गड्डी, और देखो मैं कितनी सेक्सी ड्राइविंग कर रहा हूँ, देख लो बस अनोनिमस भैया की अपनी ड्राइविंग कैसी सेक्सी ड्राइविंग करते हैं। हम लोग जा रहे हैं प्लेयर की तरफ, और अभी ये ड्राइविंग शुरू से चल रही थी, कहीं गाड़ी नहीं ठोकी, उतना प्राउड फील हो रहा था कि हमने कहीं गाड़ी ठोकी नहीं बाबा जी, और सीधा जाके ठोकेंगे फिर हम वेयर हाउस में। और यहाँ पे ऑलरेडी 3 टीम आ जाएंगी गाइस, 2 टीम होती हैं और एक और टीम आ जाएगी, 3 टीम हो जाएंगी यहाँ पे, और 4th टीम थे हम, नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, इतनी टीमें। फिर गाइस वेयर हाउस से आने के बाद अब ये बेचारे फ्लेयर वाले ऑलरेडी फाइट ले रहे थे, हम पिछवाड़े पे गोलियां मारेंगे, नहीं इस बार सच में लाइक मैं मुंह पे ही मारता हूँ, मैं बोलता हूँ पिछवाड़े पे, बट इस बार गाइस हमने सच में पिछवाड़े में मारी थी, आप खुद देख लो, ये तो खाली क्रेट पड़ी थी। हम यहाँ पे भाई नजर आते हैं, ओहो ओ अचानक से नजर आए, नहीं मतलब क्या,
बेचारा का टीममेट नॉक पड़ा था, यहाँ पे मैंने किल मिला। और गाइस अब देखो हमारी लूट करने की स्पीड, क्योंकि अनोनिमस ने आपको बोल रखा है अनोनिमस की पब्लिक के लूट का नो मजाक, लूट का कोई मजाक नहीं होता। टैप 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 टीममेट आ रहा है, जो जो उठाना जल्दी उठा लो, जल्दी उठा लो, ऑम उठा लो, एमो उठा लो। अब मैंने ऑम उठा ली, मुझे पता था एमो तो मैं बाद में भी उठा लूँगा, मिल जाएंगी, तो 5 PM जल्दी जल्दी उठा लो क्योंकि क्रेट हो जाएगा खाली। तो लूट करने का स्टाइल जो है ना वो हमारा स्टाइल, ओके हम स्टाइल को बोलेंगे स्टाइल आज के बाद। देखो एक नया वर्ड ईजाद हो गया स्टाइल। यहाँ पर हमारे 2 teammates हो जाएंगे नॉक। ये लोग गंदा मार रहे थे, बहुत ही गंदा मार रहे थे, सिर्फ गंदा नहीं ये काफ़ी गंदा मार रहे थे। तो मैंने अपने एक teammate को बोला भाई आप रिवाइव दो दोनों को और मैं यहाँ पे देता हूँ कवर, अगर कोई रश करेगा तो, वरना अगर दोनों रिवाइव देने लगे तो वो रश कर देंगे, हमें पता नहीं होगा कहाँ से रश किया, हमारा क्रेट बन जाएगा, हमारे हमें पागलों की तरफ पिछवाड़े में गोलियाँ पड़ेगी, हम सब मर जाएंगे, वापस कर लभी चले जाएंगे। लॉल ये आ गया था अलग स्क्वाड, हेड मारने का ट्राई किया, बॉडी लगा उसके दूसरे टीममेट ने, क्या गंदा मारा, बट उसको भी मैं बॉडी मार दिया था गाइस। और ये शॉट पता नहीं क्यों नहीं लगा, आप खुद बताओ ये क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं लगा। तो गाइस इसके बाद आपके अनोनिमस फर्स्ट एड लगाते हैं, गुलाबी कच्चा पहन रखा है, पिंकी पिंकी कच्चा, और यहाँ पे बंदा नजर आया गाइस, इसको हेडशॉट पड़ने वाला है, और अभी आपने चुम्मी देनी है मुझे, मैं बता रहा हूँ, बस देखना इस हेडशॉट पे। बाबा जी ने किधर जा रहे हैं सर, नहीं हमने तो आपको देखा ही नहीं। और उसके बाद बेचारे को मैंने कंफर्म करने की कोशिश की बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गाइस उसके बाद हम होल्ड करके बैठ जाते हैं, बाबा जी आपको रिवाइव नहीं होने देंगे, इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके आपको नॉक किया, ऐसा हम नहीं होने देंगे कि आपके पिछवाड़े में आके आपके टीम में हाथ लगाए और आप रिवाइव हो जाएं, ऐसा हम हरगिज़ कतई हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो आराम से कर रहे थे वेट, आइए सर जी रिवाइव देने, काफ़ी देर में वेट करता हूँ। इसका एक टीममेट आएगा के बसंती मैं तुमको बचाऊंगा, बसंती आएगा भागता हुआ रिवाइव देने के लिए, तो बसंती के पिछवाड़े में कार 98 पड़ेगी, सॉरी ओम पड़ेगी। ये मारा घास के अंदर से नॉक किया भैया को हमने, और मैं वॉल मतलब हिलते हिलते इतना पीछे चला गया था वॉल से, मुझे पता भी नहीं चला लॉल। और फिर ऊपर जा रहे रिवाइव होने के लिए, इसके पिछवाड़े में एक और बॉडी मारा, फिर मैं जुबी को मार्क करता हूँ कि भाई यहाँ पे, मतलब सबको मार्क करता हूँ कि यहाँ पे नॉक है वो। और फिर जुबी के पास एंगल होता है क्योंकि जुबी थोड़ा सा दूर था, तो जुबी इसको एक बुलेट मारेगा, और वो क्योंकि मैंने ऑम मार रखी है एक बुलेट मारेगा स्किल मुझे मिल जाएगा। और दूसरे वाला यहाँ नॉक पड़ा था, तो हम इसका वेट कर रहे थे कि बाबा जी कोई बात नहीं, कभी तो आप आओगे सामने या आपको रिवाइव देने आएगा तो हम आपका किल उठा लेंगे। तो मैं एक टीममेट को साइड से पड़ गई, और फिर मतलब गड़बड़ पता भी नहीं चला था कि पड़ कहाँ से रही है, अलग अलग टीमें जिंदगी खतरे में आई हुई थी। फिर गाइस हमने सुकून से थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा गेम प्ले ख़राब हो, क्योंकि मैं सारी रात खेलता रहा हूँ गेम प्ले नहीं बना, और ये सुबह के 6-7 बजे बन रहा है, तो और उसके बाद फ़ौरन बैठ के मैं एडिट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि ये गेम प्ले, ओके किल मिल गया गाइस मुझे, मैं नहीं चाहता ये गेम प्ले मेरा जो ना बने। अब जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस के वो जो 2 बंदे थे ऊपर रिज वाले, उनके मैंने फिनिश कर दिए थे, और इनका एक ही बंदा बचा था और ये गाड़ी लेके जा रहा था, तो मैंने कहा भाई इसका जोन काटते हैं, और हमारे बंदे 3-3 हैं, इसके पिछवाड़े में गोली मारेंगे। वैसे मुझे लग रहा था कि ये 2 होंगे क्योंकि 2 मारे थे, बट ये एक ही था, और ये बेचारा फायरिंग भी नहीं करता, इसकी जिंदगी खतरे में आई थी, उसने आखिरी दम तक कोशिश की कि ये जिंदा बच जाए, बट ऐसे कैसे बाबा जी उतरते ही मर गए। और हमारा तो यहाँ पे माइक वाइक ओपन हो गया था, हमें तो मारने का मौका भी नहीं मिला। और अब जो दूसरा स्क्वाड था जो लाइक सामने था हमारे, जिसने हमारे 1-2 बार नॉक भी किए थे, वो स्क्वाड आ जाएगा सामने वाले स्क्वाड हाउस में। और लुटेरे देख रहे हो, जोन की कोई फिक्र नहीं कि हम जोन से बाहर हैं या कुछ भी, मज़े से लूट रहे हैं, नहीं मतलब क्या लूट के देखो भूखे सब के सब, स्मोक वगैरह कुछ नहीं किया, बस दोनों हाथ से लूट रहे हैं। क्या गाइस आपके टीममेट भी ऐसे हैं, अगर ऐसे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मैंने अपनी मेहरान गड्डी उठाई और फौरन से हम ले जाएंगे जोन में, और फिर लेंगे फाइट उस स्क्वाड से जो के फ्लेयर वालों को मार रहे थे, जो हमारे साथ भी बेचारे मारपीट करते रहे, लेकिन बेचारों को फ्लेयर की लूट नहीं मिली। हमें बस स्पॉट करने का ट्राई कर रहे थे, इतनी देर में गाइस हम पे कर देंगे रस। अब ये रस कैसे करेंगे, इनका एक बंदा पीछे रह जाएगा कवर देगा, और बाकी ये सारे रस कर देंगे हम पे, और आगे थे रस करने के लिए। तो हमने अकल इस्तेमाल करते हुए एक नेड निकाला प्री नेड, लेकिन ये फ्लॉप जाएगा एक नंबर का, उससे उल्टा हमें डैमेज होने वाला है बाबा जी। इसको करेंगे हम फिनिश, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई रिवाइव हो जाए। और फिनिश करने का दूसरा फायदा कि इसकी क्रेट सिर्फ मुझे पता है कहाँ, और मैं लूट कर सकता हूँ। यस यस यस, मेरे 3 teammates नॉक थे, तो गाइस जिंदगी खतरे में आई, तो फौरन से मैंने इनके 2 teammates फिनिश किए, और उसके बाद मैं अपने टीममेट को एक को दूंगा रिवाइव, और फिर मैंने कवर देने, मेरा वेस्ट नहीं थी तो इसलिए मुझे वेस्ट उठाना लाजमी थी, तो मैंने एक को रिवाइव दिया, और फिर मैं बोला भाई आप दूसरे को रिवाइव दो, और फिर मैं जाकर तीसरे को रिवाइव देता हूँ, क्योंकि उनका जो सोलो बंदा था गाइस वो रश करेगा, और मैं नहीं चाहता था वो मेरे पिछवाड़े में आके गोली मारे और मेरे टीममेट्स को करे फिनिश। तो मैं आखिरी दम तक कोशिश करनी थी कि मैं अपने टीममेट्स को बचा लूँ बाबा जी, तो फौरन से भागे आगे की तरफ, और वो आ चुका है नज़र आया था, और मैं यहाँ के फौरन से लेट गया, क्योंकि मेरे पास वेस्ट बिल्कुल लाल है गाइस। ओ भाई साहब गाड़ी उड़ गई है, क्या किया इसने, ये लॉल हेल्थ भी कम हो चुकी है, ओए होए ये काम इसने गाइस ख़राब कर दिया, नहीं वाकई बुरा लगा, बहुत बुरा लगा सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था,
सर जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वाकई में नहीं करना चाहिए था, हमारा दिल तोड़ दिया आपने, कान के नीचे लगाया, क्रेट बनाया और फिर हमारे हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह 10 किल और हमें जाना था जोन में। फिर गैस हमने दोनों हाथों से की लूट, लूट का कोई मजाक नहीं और हमारी वेस्ट भी जो है वो थोड़ी सी चलो फ्रेश मिल गई थी। तो हम उसके बाद लूट करेंगे, बैंडेज वगैरह लगाएंगे, जितने बूस्टर हैं वो उठा लेंगे, क्योंकि भाई देखो नहीं पता कि आगे जाके कितने बंदे मिल सकते हैं, तो हीलिंग होनी चाहिए, तो हीलिंग अब जितने उठा लें कम है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हीलिंग उठा ली। गैस उसके बाद हमारी गाड़ी डैमेज थी और हम गाड़ी ढूंढने यहाँ आए, तो मुझे एक सोलो बंदा नज़र आता है और मैं फजूबी को बताता हूँ यहाँ आकर रुक जाते हैं हम लोग और मैं करता हूँ आगे रश। तो इसने हमारे एक टीममेट को डाउन किया, मैंने इसको डाउन किया। गैस अब इसके तीनों टीममेट पीछे गाड़ी पे आ रहे हैं और ये पैदल हैं, इनके पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी उठाने आ रहे थे ये लोग। तो बाबा जी यहाँ पर होता है 1v4 और हमें मिलते हैं 4 किल, क्योंकि हमने 1v4 किया तो हमें 4 किल ही मिलेंगे, ख़राब सा जोक। और उसके बाद हम करते हैं इनकी लूट बाबा जी, लेकिन यहाँ जो है ना लैग होता है और सामने से आ रही होती है पूरी की पूरी गाड़ी और मेरी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता गाइस क्या करूँ। बट फिर मेरे अकल में आता है कि एक स्मोक फेंक दो कि कवर ही बन जाएगी और सांप बन जाओ, क्योंकि इससे अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। पूरी गाड़ी आ रही है और फिर जब गाड़ी करीब आए तो उड़ जाना, क्योंकि गाड़ी आपके ऊपर चढ़ गई ना काम हो जाएगा। फिर हमने स्प्रे दिया, डैमेज हमने भी दिया था बट नॉक हमें नहीं मिला, उसके बाद भी मैं डैमेज देता रहा यहाँ पे। और गाइस ये लेजेंड जो है ना, ये लेजेंड वहाँ जाके ना कंपाउंड नहीं है जोन में, तो वहाँ जाके ना सारे के सारे सांप बनने वाले हैं। तो हमने किया फिनिश, उसके बाद पहले तो गाइस हम करेंगे लूट, क्योंकि लूट जो है ना वो ज़रूरी है, सुकून से लूट करेंगे। और तीन हम बचे थे गाइस, 5 बंदे और थे, 14 किल हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। गाइस पता है समटाइम क्या होता है, एक बंदा भी अलाइव हो रहा होता ना फिर भी मैं ऑम उठा रहा होता हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक पता होता है कि इस्तेमाल नहीं करनी फिर भी उसको उठाना है, नहीं मतलब क्या ये मतलब कैसी क्या आदत है हमारी, कैसी आदत है। तो गाइस उसके बाद हम लोग लूट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रोड पे नाचने लगे कि कोई नज़र आए, बट कोई नज़र आया नहीं। तो उठाएंगे गाड़ी और जाएंगे इन बंदों की तरफ जो बंदे गए थे, और उम्मीद है मुझे वहाँ पे बंदे मिल जाएंगे। इस उम्मीद के साथ गया था कि वहाँ पे बंदे मिल जाएंगे और थोड़े से और किल मिल जाएंगे। तो जैसे जोन टच होता है ना, जोन हम पे बन जाता है, बट और किसी कंपाउंड में जोन होता नहीं है, तो लाइक कंपाउंड में होता तो हम लोग रश करते हैं। उसके बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ, अपने टीममेट्स को बिठाएंगे जो कि स्टिल लूट रहे हैं लुटेरे, और उनको बैठाने के बाद रश करेंगे वहाँ पे जो गाड़ी गई थी, और वो सारे के सारे वहाँ पे सांप बने हुए हैं बाबा जी। ये मतलब क्या सांप देखोगे ना गाइस आपको हंसी आएगी, या आपको आप बोलोगे आफरीन 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 आफरीन, ऐसा कुछ आप बोलोगे। सही है, अभी आप देखोगे कि कैसे खतरनाक सांप आपको मिलेंगे। सस्ता गाना विद एनोनिमस, गाना तो नहीं था बट हाँ 2 लाइनें, मतलब हाँ नुसरत फतेह अली खान और कान के नीचे लगाया, जाने दो दूसरा कान के नीचे लगाया सांप, एक और यहीं पे था, इसको बॉडी लग जाता है, हेड मारा था पता नहीं क्यों बाबा जी। फिर हम एक और हेड मारते हैं, हमें यहाँ पे किल तीनों मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब गाइस 2 बंदे बचे थे, लेकिन यहाँ पे हम होने वाले हैं KNOCK, कनॉक मतलब नॉक। और ये गाइस ये जो इंग्लिश का साइलेंट वर्ड होता है ना, इससे मुझे इतना गुस्सा आता था ना जब मैं स्कूल पढ़ता था, मतलब नहीं जब वो साइलेंट है तो उसको लिखना क्यों है मुझे बताओ। नॉक है तो NOCK नॉक, नहीं KNOCK, एक वर्ड साइलेंट होगा, आपको भी अजीब लगता था तो मुझे बताना। हमारे पिछवाड़े में गोलियां पड़ी, हम भी नीचे लेट गए। कनॉक, हमने यहाँ एक बंदा कनॉक किया, फिर दूसरा बंदा कनॉक करने लगे बट वो सांप बन जाता, दूसरे बंदे को हम ढूंढ ही रहे थे, तो वो कनॉक वाले बंदे के टीममेट ने हमें कनॉक कर दिया और फिर हम कनॉक हो गए। पिछवाड़ा पिंकी वाला गुलाबी कच्चा पहन के अपना पिछवाड़ा ज़मीन पे घिसते हुए रिवाइव के लिए तरस रहे थे कि प्लीज़ हेल्प मी, और फिर हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी और इतनी देर में वो भी रिवाइव कर देगा और हमारा किल जो है वो रिवाइव हो जाएगा। उसका हमें बहुत दुख था, बहुत ही बुरा लग रहा था गाइस कि हमारा जो है ना वो रिवाइव हो चुका है। देखो पिछवाड़ा पिंकी हमारा खड़ा हो जाता है और फिर हम हील करते हैं मेडकिट लगा के, और फिर सामने जो है ना वो बंदे भागते हुए नज़र आ रहे होते हैं हमें स्मोक में हल्का हल्का, और फिर हम गन रीलोड करके रश करेंगे इन पे गाइस, क्योंकि दोनों हो चुके रिवाइव। एक दरख्त के पीछे होता है गाइस, एक पत्थर के पीछे होता है, और फिर एक को जब जूबी देता है यहाँ पे नॉक, फिर दूसरे का हमें पता है कि पत्थर के पीछे है, और फिर हम लोग एम वहीं पे करके ना रश करने लग जाते हैं, क्योंकि दरख्त वाले को जूबी ने नॉक के तरह कहा था पत्थर के पीछे जो आपने स्मोक में भागते हुए देखा था, और एम मेरा वहीं पे था। स्मोक करते हुए अपने टीममेट को बचाने के लिए M249 हमारे सर के पास,
तो बाबा जी 1 HP रह जाती है मेरे और हमें मिलता है यहाँ पे चिकन विनर डिनर डिनर। और हम यहाँ पे आते हैं MVP, तो आप देख सकते हो गाइस ये यूरोप था और इसमें हमारे 2 स्टार हो चुके हैं, एस की लॉब भी थी। तो गाइस फिर हम करते हैं यहाँ पे विक्टोरी डांस। और अब मुझे बताना है, मैंने एक बड़ा ही अहम मुद्दा उठाया है कि जब एक वर्ड साइलेंट है तो उसको क्यों बोला जाता है, क्यों हम पे ये तशद्दुद किया जाता है, मुझे कमेंट में बताना। तो गाइस उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, वो गाइस 43+ हुए ये। फिर गाइस बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि पिस्टल चैलेंज करो उन्होंने, मतलब भैया तो हम फाइनली पिस्टल चैलेंज करने आए हैं और ये पिस्टल चैलेंज जो है ना बहुत ही फनी होने वाला है। हम गुलाबी कच्चा पहन के अपना पिछवाड़ा ज़मीन में घिसते हुए आगे भाग रहे थे गाइस, और यहाँ पे हमने फिर अपनी निकाली पिस्टल और लेजेंड आएंगे यहाँ पे हमारे भाई भाग के। और फिर हमने इनको किया फिनिश और फिर दूसरे टीममेट को मारने की कोशिश की, बट वो जो है ना बच गए। और फिर हमारे मामे हीर दे यही वाले टीममेट दोबारा से भाग के आने वाले हैं, हमारी पिस्टल हमारे हाथ में, आजा मामे हीर दे आजा। और यहाँ पे बच गया ये भाई हमारा, दोबारा घूम के आएगा, आजा मामा हीर दे। ओ भाई साहब काफ़ी डैमेज दिया मेरे भाई ने, फिर हमने इनको फिनिश कर दिया। इन्हीं की एमो उठाएंगे क्योंकि पिस्टल में हमें ज़्यादा एमो मिलती नहीं है, और फिर हम जल्दी जल्दी उठा रहे थे। फिर हमारे दोबारा वही भाई आ गए, आजा मामा हीर दा। और फिर हमने अपने दोबारा भाई को उसी वाले को पिस्टल से मारा, और फिर दोबारा से वही वाले हमारे भाई आएंगे गाइस। यस 4 किल होंगे और 4 किल मेरे एक ही भाई के हमें मिलेंगे, मामा हीर दा आएगा, माही आवेगा। वो भाई ने नेट कर दिया, इस बार अकल इस्तेमाल कर रहा है मेरा भाई। आइए सर जी आइए, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अब ये वो वाला म्यूजिक बज रहा होगा लाइक, कौन सा बज रहा होगा पता नहीं, बट हाँ कोई म्यूजिक बज रहा होगा। कमेंट में बताओ भाई जब भाग के आ रहे थे तो कौन सा म्यूजिक बज रहा होगा। हाँ कमलेश दुन 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 दुन, आप भी कोई फनी सा म्यूजिक बता सकते हो कि कौन सा बज रहा था। 5वीं बार भी मेरा वही भाई मरा मेरे हाथों, और फिर 6वीं बार भी मेरा वही भाई आ रहा है। ओके मिस कर दिया मैंने अपने भाई को, ओके दोबारा मिस कर दिया, और 6वीं भाई भी मेरा वही भाई, 6वां किल भी हमारा उसी भाई ने दिया। 6 की 6 किल एक ही बंदे के हो गए थे हमारे गाइस। और फिर हम थोड़ा सा दूसरी साइड पर आए, और ये जो है ना गलत सीन है केरी रोड। और 7वां किल ओके हमारा उस भाई का नहीं था, बट कोई हमें पेल रहा था। ओके 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 ये वही भाई हैं हमारे, ओके ये वही भाई हैं और ये मर चुके हैं। ओके 17 एमओ, ओ ओ ओ ओके तो यहाँ पर हमारे ऊपर नेद फट गया, लेकिन हमारे 9 किल हो चुके हैं पिस्टल से, पिस्टल चैलेंज गाइस हम कर रहे हैं। और 16 किल हमारे हो गए हैं, 14 किल हमारे टीममेट के हैं। फिर यहाँ पे हम एक नेट निकालेंगे और एक अपने एनिमी के पिछवाड़े में नेट करने की कोशिश करेंगे, बट वो कोशिश जो है नाकाम होगी या कामयाब होगी पता नहीं। और यहाँ पे बूम हो जाता है, नाकाम हो जाती है, और फिर हम यहाँ पे उसी भाई को दोबारा मारते हैं। गाइस मुझे कमेंट में बताना कि हमने इस भाई को कितनी बार मारा। नहीं मतलब क्या पैन से मारोगे, नहीं मतलब क्या ऐसे दिन आ गए। फिर हमने यहाँ पे भाई को जो मारा, और फिर आप बताना उसी भाई को गाइस हमने कितनी बार मारा। फिर मम्मा हीर देखो हम यहाँ एक और बार मारेंगे, दूसरी टीम में डाल चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे गाइस एमो नहीं है गन में, एमो नहीं है पिस्टल में। ओके तो हम फाइनली अपने उसी भाई से मरे, बट आप बताना कि हमने इसी भाई को कितनी बार मारा। फिर हम पिस्टल में एमो ख़त्म हो जाती है गाइस, एक तो रीलोड लग जाती है फिर एमो ख़त्म हो जाती है, नहीं मतलब क्या। तो हम एक नेट करेंगे और उम्मीद करते हैं इस नेट से कोई ना कोई फटेगा, और फिर हमने नेट फेंका, बट बूम तो हुआ बट कोई फटा नहीं। और ये हम पीछे जाएंगे तो गाइस ये भाई गायब हो जाएंगे, नहीं मतलब क्या कहाँ गए, प्रैंक हो गया था हमारे साथ। फिर हम अपना पिछवाड़ा ज़मीन पर घिसते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 22 किल हैं दोनों टीम्स के, 23 हमारे हो चुके हैं। और हम पिस्टल लेके हाथ टेढ़ा करके भाग रहे हैं, ओके हाथ सीधा कर लिया हमने, फिर टेढ़ा कर लिया हाथ, ओके ये हमारा किल नहीं मिला हमें। गाइस अभी देखना लेजेंड, देखना आप लेजेंड, दिखाऊंगा आपको लेजेंड, एक लेजेंड भैया हमारे ये देखिए, आहा हा इसको ना ऑस्कर मिलना चाहिए मेरे भाई को, कितनी खतरनाक कैंपिंग कर रहा था मेरा भाई यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे मैं एमो उठा लूँगा, और यहाँ पे हमें ओके यहाँ पे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी खतरे में आ गई थी। 5 की लीड है गाइस हमारी, 13 किल हो चुके हैं, और फिर हमने यहाँ पे किल उठाने की कोशिश किया बट हमको नहीं मिला। हमारा भाई दोबारा आया, आइए सर जी आइए, अच्छा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, नींबू की प्लेट में नींबू का ही अचार है। ओके किस कौन सी प्लेट में, चीनी की प्लेट में नींबू का अचार है। और हाँ हम मर रहे हैं, और एनिमी M7 के साथ तैयार है, इसे कहते हैं अचानक से बनाई हुई सस्ती शायरी विद अनोनिमस। फिर हम गाइस एक नेट फेंकेंगे, और इस नेट से बहुत ही कमाल वाला बूम होने वाला है। ओके नहीं हुआ बट डैमेज पड़ा होगा। फिर हम मारने जा रहे हैं तो ये डैमेज हमारे टीममेट ने चुरा लिया, नहीं मतलब क्या ऐसे कौन करते हैं मेरे भाई।
ओके तो हमने यहाँ पे मारा बट हमें दोबारा से पड़ गई। भाई बदले ले रहे हैं अपने, ले लो भाई बदले, क्या कर सकते हैं। पिस्तल हमारे पास है तो हम क्या उखाड़ लेंगे आपको बताओ। लेकिन गाइस आखिरी किल है, क्या ये आखिरी किल हमें मिलेगा? कॉमेंट में ज़रूर बताना, यस मिलेगा तो यस, नो मिलेगा तो नो। देखते हैं ये किल हमें मिलते हैं या नहीं। ओके तो हमें मिली है विक्टोरी, और इसमें MVP तो नहीं आते, और पता नहीं क्यों नहीं आते, हमें बड़ा ख़राब लगा। असिस्ट इस भाई के ज़्यादा होते हैं, हमारे कम होते हैं, बट कॉम्बो हमारा ज़्यादा था, KD हमारी ज़्यादा थी, बट नहीं इनको देना है भाई। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। एनोनिमस की पब्लिक रमज़ान है, अपने एनोनिमस के लिए दुआएं करना, क्योंकि इंसान जितना खुश ऑन स्क्रीन नज़र आता है ज़रूरी नहीं है वो उतना खुश हो चलता रहता लाइफ में ऊंची नीचे। तो बस मुझे दुआ में याद रखा करो। बाकी गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्लीज़। तो और बस ऐसे दुआ में याद रखना, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।